अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं मुर्ग चना दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, सब कुछ मेंशन भी कर दिया है, क्वांटिटी भी बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 kg चिकन है, 1/2 kg हमारे पास जो है वो चना दाल है, इसको हमने ओवरनाइट जो है वो भिगो के रखा हुआ है। तकरीबन अगर ओवरनाइट आप ना भिगो सके तो आप तकरीबन 2-3 घंटे तो लाजमी भिगोएं। उसके बाद हमारे पास सारे स्पाइसेस हैं, ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और बारीक कटा हुआ 2 से 3 अदद जो है हमने प्याज इसके अंदर ऐड करने और इसको अच्छे से फ्राई होने तक जो है गोल्डन ब्राउन करना है अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से कुक करेंगे। ये सब जो है वो हमारे पास मसाले हैं, कुटी लाल मिर्च है 1 चम्मच और हमारे पास ज़ीरा है 1 चम्मच, इसको हमने दादरा सा पीस दिया है 1 चम्मच, हमारे पास हल्दी है 1 चम्मच, नमक है 1 चम्मच, हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है और कुछ जो है वो हमारे पास गरम मसाला है तकरीबन, वो भी 1 ही चम्मच होगा, 1 टेबल स्पून होगा। सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वीडियो मोबाइल से बन गया, इस वजह से स्मोक जो है वो कैमरे के आगे आ गया। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच जो है दही और इसका अच्छा से जो है पेस्ट बना लेंगे, अच्छा सा मसाला बना लेंगे। ऐड कर देंगे हमारा चिकन, चिकन को इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, इसको अच्छे से कुक करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। चिकन का जी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब इसके अंदर हमने 5-6 अदद जो है वो साबुत कट लगा के हरी मिर्ची ऐड कर दी है, इससे बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा और ये नज़र भी आएंगी तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। और जी यहाँ पर हमारे चिकन के मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी दाल जिसको हमने बॉईल कर लिया था। आपने हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और जी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पर इसको अच्छे से कुक करेंगे और जी इसको हमने डिश आउट कर लेना है बहुत ही प्यारे से बर्तन में। ज़रूर जो है चना दाल को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।